हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस कुल्फ़ी रेसिपी, मटका मलाई कुल्फ़ी। दोस्तों, आज हम इस कुल्फ़ी रेसिपी को बनाएंगे एकदम झटपट, बिना किसी झंझट के, बिना गैस जलाए, बिना हीट किए, बिना बॉईल किए, बहुत ही कम और सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि घर पर ही इजीली अवेलेबल होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हम इस कुल्फ़ी को बनाएंगे। ना ही हम क्रीम का यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क मेड का। दोस्तों, आप एक बार इस कुल्फ़ी रेसिपी को घर पर ट्राई करके देखिएगा, आप बाज़ार की कुल्फ़ी का स्वाद ही भूल जाएंगे। तो चलिए झटपट बनने वाली इस मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार और जार में ऐड कर दिया है चीनी, काजू, बादाम, मिल्क पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स और साथ ही में ऐड कर देंगे छोटी इलायची। अब इन सब को ग्राइंड कर लेंगे और एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, साथ ही में ऐड कर देंगे मलाई। दोस्तों, यहाँ पर मैंने घर की ही सिंपल मलाई का यूज़ किया है जो कि डेली हम इकट्ठा करके रखते हैं घी बनाने के लिए। दोस्तों, आप अगर चाहे तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कुल्फ़ी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब एक बार फिर से मिक्सर ग्राइंडर को चला लेंगे और एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का कुल्फी का बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड्स में डाल देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे फॉइल पेपर के साथ और सील कर देंगे रबर बैंड्स के साथ, ताकि कुल्फी अच्छे से सेट भी हो जाए और इसमें आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म ना हो, और फ्रीज़र में सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। दोस्तों, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसे फ्रीज़र में रात भर रख दें सेट होने के लिए। अच्छे से सेट हो जाने के बाद कुल्फी को फ्रीज़र से निकाल के गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम के साथ। दोस्तों, इसी के साथ तैयार हो चुकी है मटका मलाई कुल्फी। इस कुल्फी रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप बाज़ार की मटका मलाई कुल्फ़ी का स्वाद एकदम भूल जाएंगे। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।